का छोरा छोरी भगा के ले गया, जब से उसकी दुर्गति हो रखी है। अरे मैंने तो इतना भी सुना है कि लोंडी वालों ने भरतू के दो चार टेक भी दिए, वो तो पुलिस वालों ने छुटाई लिए ना, तो गणा ही काम खराब करने के चक्कर में थे। भाई आजकल के इन बालकों का कोई ढोढ़म ना रहा, कौन क्या कर ले कुछ ना भरोसा है। ये जो प्यार हो रहा ना इनका, इसमें अपना सब कुछ भूल जा, ना आगा देख रहे ना पीछा देख रहे, ना गांव देख रहे ना गवांड देख रहे, और बस नू समझ लो कहां जमाना जान लग रहा। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। भाई भरतू ने अपने छोरे को ऐसा फोन दबा रखा था, मुंह देख के बात होवे थी और उसमें बटन भी नहीं थे। जब ही तो भरतू का बटन सा दबा गए वो। प्रधान जी लड़का तो आपका भी ब्याह लाख हो गया है, इंटर में अच्छे नंबरों से पास हुआ था, टाइम रहते ही उसका ब्याह कर दो, तुम्हारे घर की काम मिलेगी दिक्कत दूर। ना भाई वो ऐसा काम ना करने का जिससे घर खानदान पे कोई ठप्पा लग जा, समझ गए, वो बहुत भला लड़का, रात दिन पढ़ाई में लगा रहे, खेती का भी कोई काम नहीं चपड़न देता, और उसका तो एक ही सपना है कि मैं सरकारी नौकर बन जाऊं, और एक दिन उसकी सरकारी नौकरी लगेगी। मैंने उसका काम करवा दिया, दिल्ली भेज रहा है उसे पढ़न के लिए, घर का क्या है, यू काम धाम तो चल ही रहा है, एक बार वो कामयाब हो जा फिर उसका ब्याह भी करूँगा और धूमधाम से करूँगा। प्रधान जी लड़का तो आपका भी बहुत बढ़िया है और पढ़ाई भी बहुत बढ़िया कर रहा, आपकी सेवा भी बहुत ज्यादा करे, आजकल के बालक कुछ न करते, खेत का नाम लेते ही तो जी सूख जा उनका। अच्छा भाई अब मैं चलूं, मेरी दवाई का भी समय हो लिया और मोहन भी अकेला ही लग रहा होगा, फिर वो गुस्सा भी तो करे। प्रधान जी आते जाते रहा करो, खाट पे बैठे बैठे शरीर बेकार हो जाएगा, गोड्डे जुड़ जाएंगे। अरे बिल्कुल आता जाता रहूंगा, तुम चिंता ना करो, अरे अभी कुछ ना हो रहा मेरे। राम राम, राम, राम जी, ऐसे हो इंसान, मस्जिद से उठा कर लाए थे मोहन को और दोनों मियां बीबी ने ऐसी कसम खाई थी इस बालक को ही पालेंगे, अपना बालक नहीं पैदा करेंगे। प्रधान जी की घरवाली तो बहुत पहले से गुजर गई थी, इस बालक के चक्कर में उन्होंने दूसरा ब्याह भी नहीं करा, इसे ही अपना मान के चल रहे हैं। डॉक्टर ने घूमन फिरन की कह दी, घर में पानी नहीं दिखता, मुंह उठा के सबका हालचाल पूछने में चल रहे हैं, अपना हालचाल देखते ना है। और खूब पता है मुझे खेत में भी जाना, पानी गर्म करके धरा था, यहाँ नहान की कहकर पता ना कहाँ जाते फिरे, हमारी समझ में नहीं आती हमारे बापू के करे के नहीं करता। हाँ भाई क्या है तेरे जी में है, तू फालतू के इस काम में अपने टाइम में आग लगान लग रहा के है तेरे जी में। अरे एक बात बताइए, तन्ने उसे फुल्लो को क्यों मना कर दिया, वह तो कुल 3,000 रुपए पूरे घर का काम करने को तैयार थी। अभी मैं जिंदा हूँ, मैं ना दूं किसी को एक फुट्टी कौड़ी भी, मानस ना मानस की जात, काम करने को नौकर चाहिए, मैं सारा काम अपने आप कर लूंगा, उसे 3,000 रुपए दूंगा, इससे बढ़िया तो मैं तुम्हें फलियां खुवा दूंगा, तुम वैसी ठीक हो जाओगे। अरे तू मेरी चिंता में तो घुसाना जा, अपने आप को देर ना कर। सुन मैंने तेरी पढ़ाई का आगे का इंतजाम कर दिया, वो तेरी मौसी का लौंडा है ना सिटी, उसके पास ही अब दिल्ली रहिए, उसके साथ ही रह के पढ़िए। वाह जी वाह, मतलब क्या कहने, तुमने तो मेरे से पूछी भी ना, तुम तो मुझे छोरी मान रहे हो, बिना कहे जहाँ ब्याह कहोगे वहाँ ब्याह कर लूंगा, और फिर नु कह दियो हमारे खानदान में तो ऐसी होवे। हाँ मैं कुछ कह नहीं रहा, तो मेरा बापू बनने को तैयार हो रहा, साले के गात में ऐसी लाठी दूंगा लोचता फिरेगा सारे पकड़ में को। तुम अब चाहे लाठी मारो चाहे तोप, चाहे तुम मेरे हाथ पांव तोड़े घेर दो, पर मैं तुम्हें छोड़े कहीं नहीं जाने का। जागा जागा जागा, तेरा तो बापू भी जागा समझ गया, तेरी फीस भी पुछवा दी मैंने। जो तुम भी गैल में चलते हो तो मैं चल सकूं, पैसे जाओ भाड़ में, और ना मैं ना जाऊं बिल्कुल भी, मेरी माई तो बिल्कुल टाल है टाल। अरे तू ज्यादा जिद तो करे ना कर, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ समझ गया, तुम्हें भी देखा है कोई यहाँ। अरे तू बावड़ा क्यों हो रहा, तेरी उम्र है पढ़न लिखन की, अरे पढ़ लिख लेगा कहीं सरकारी नौकरी लग जाएगी, मिजान हो जाएगा कहीं। बिल्कुल ठीक रहोगे तो जाऊंगा, और ना गांठ मार लो मैं घर से बाहर एक कदम बिल्कुल नहीं। अरे ठीक है मेरे बापू ठीक है। उस पानी ने मेरे से 3 बार पूछ लिया, तेरे बापू नहाओगा कि मैं हो जाऊं ठंडा। अरे इसकी भान का ही, वो तो उमेश ने बिठा लिया, मैं तो भूल ही गया। हाँ धरा पानी, तुम नहा लो मैं लत्ते दे दूंगा। अरे भाभी जितेंद्र कहाँ मर रहा है, मुझे के बता के जावे है, उसे काम ही के है, फिर रहेगा कहीं धक्का खाते। अब ना है जरूरत किसी को भी धक्के खाने की। क्यों अब हमारे हिस्से के धक्के भी तू खाएगा। अरे ऐसी बात है, अगर मैंने बता दी ना दोनों बावले हो जाओगे। ऐसी खबर की टाल मार, हमें ना होना बावला। किस चीज की आग ठाव घूम रहे हो तुम। महेंद्र मोहन को पढ़ने के लिए बाहर भेज रहा,
तो इसमें हमारा क्या फायदा है? इसमें हमारा क्या फायदा? अरे नुकसान क्या है, इसमें तो फायदे ही फायदा है। महेंद्र मोहन को पढ़ने के लिए बाहर भेज देगा। अब उसकी तीमारदारी सेवा करने के बहाने हम महेंद्र के घर में घुस जाते हैं। वो हमें घर में घुसने देगा? अपनी गलती की माफी मांग लेते हैं, दो चार आंसू बहाएंगे। वैसे भी बुड्ढा नरम दिल का है, मान जाएगा। ठीक कह रही है, कल चलते हैं मासूम सा चेहरा बना के। एक बार हम उस घर में घुस तो जाएं, फिर सारा माल हमारा। धीरे धीरे सब पचा जाएंगे। मुझे तो डकार भी आएगी। तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए हलवा गोट की लाती हूँ। हलवा हलवा भैया हलवा, आजा आजा आजा। तुम लोग, अरे आज क्यों आए हो मेरी चौखट पर? भूल गए इस घर से रिश्ते तोड़कर तुम लोग गए थे? भैया जिस दिन से यहाँ से गए हैं उस दिन से ही हम दुख भोग रहे हैं, और एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन आपकी याद ना आई हो। आपको याद करके इतना रोए हैं। हमें माफ कर दो भैया, हमें माफ कर दो। अरे 18 साल हो गए उन बातों को, जब तुम इस घर को छोड़ कर गए थे। इस घर में तुमने बंटवारे का बीज बोया था। आज ऐसा कौन सा दुख आया है जो तुम इस घर की चौखट पर फिर नजर आ रहे हो? हम मानते हैं कि हमने गुनाह किया, आप भी मारते, आपसे मिलने को बहुत मन किया हमारा, मगर हम डरते थे कहीं आपकी हमें देखकर हालत खराब ना हो जाए। हाँ एक बात का हमें सुकून था, मेरा भतीजा मोहन आपके पास था, इसलिए कभी हिम्मत ही नहीं हुई आपसे मिलने। अरे नालायको, 4 बरस का था मोहन जब उसकी माँ माला उसे छोड़कर चली गई, तब थी तुम्हारी जरूरत इस घर को, तब थी जरूरत तुम्हारी मोहन को, तब इस घर को छोड़ कर चले गए थे, तब सर नहीं आई, और अब 18 साल बाद लौट कर आ रहे हो। भैया मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मोहन को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। माफ कर दो भैया, हमें माला हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, माफ कर दो। तुमने तब नहीं सोचा जब तुम लोगों की जरूरत इस घर को थी, वो मासूम बच्चा बिन माँ के उसके बाप ने कैसे पाला था, तब तो तुम लोगों को बंटवारा नजर आता था, जमीन नजर आती थी। आज रिश्ते क्यों याद आ रहे हैं? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। माफ कर दो भैया, हमें भैया हमें माफ कर दो, हमें मारो भैया, हमें सजा दे दो, लेकिन हमें माफ कर दो भैया, हमें माफ कर दो, हमें सजा दे दो। भाई साहब माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भाई साहब माफ कर दो। तुमने वो माफ करने का वक्त खो दिया, वो तुमने माफ करने का वक्त खो दिया। मैं पसीजने वाला नहीं हूँ, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। भैया मर जाएंगे आपके बिना भैया, मैं माफ कर दूँ, बस एक मौका दे दो भैया, बस एक मौका। अरे जब मेरी माला मरी थी तुम लोगों ने उस वक्त नहीं सोचा? माफ कर दो भाई साहब, नहीं तुम्हें माफी मांगनी थी तो उस माला से मांगते। अरे आज तो मेरा मोहन जवान हो गया है, मेरा सहारा बन गया है, आज काहे के लिए तुम लोग मेरे पास आए हो?
मोहन मोहन मेरे बेटे मोहन मोहन हमें माफ कर दे बेटा माफ कर दे बेटे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई हमें माफ कर दे चाचा जी चाची पिताजी माफ कर दो इन्हें तू अपने इन चाचाओं को नहीं जानता बहुत जहरीले नाग है बेटा ये बहुत जहरीले नाग है ये बहुत जहरीले नाग है पिताजी आपकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है इसलिए मैं कहीं बाहर पढ़ने भी नहीं जा सकता अगर चाचा जी यहाँ रहेंगे तो मुझे लगेगा आपकी सेवा करने के लिए यहाँ घर पर भी कोई है इन्हें माफ कर दो पिताजी मेरे बच्चे तो कितना महान है इस घर से 18 साल पहले माला चली गई थी अब तुम लोग आए हो ना तो मोहन की वजह से आए हो इस मोहन को तुम छोड़ गए थे छोटे से बच्चे को वो मोहन तुम्हें इस घर में ला रहा है जाओ अपना सामान ले आओ भैया अब देखना भैया हम आ गए हैं मोहन बाहर पढ़ने जाएगा हम मेहनत करेंगे आपकी सेवा करेंगे भैया कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे जाओ तुम अपना सामान ले आओ जाओ पिताजी आप इतने परेशान मत हो आपकी तो तबीयत पहले ही ठीक नहीं बेटे माँ तो है नहीं अगर आपको कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगा बेटा जब तुझे इनकी जरूरत थी ना ये कमबख्त तुझे छोड़कर चले गए थे मैं तड़पता रहा तरसता रहा मेरे मोहन के लिए कुछ तो मैंने तो तेरे लिए दूसरा ब्याह भी ना करा था पर इन कमबख्तों को शर्म भी ना आई और आज तू ही इन्हें इस घर में लाने की जिद कर रहा है पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे बस आप चाहिए ठीक है मोहन बस तू अमल लगाकर पढ़ना मैं मन लगाकर पढ़ूंगा पिताजी मैं मन लगाकर पढ़ूंगा ठीक है बेटा आजा मोहन आजा आजा कर दिया हाँ पिताजी चल बहुत बढ़िया हाँ जी आप घर चल हैं चल चले बेटे सिट्टी लड़की और अकेली बैठी है बात करूं नंबर तो लूं क्या चाहिए नंबर जा चला जा अन्ने अभी झुंझुना सा बजा दूंगी तेरा जान की ना दिखे तू मुझे अभी हाँ तू बड़ा जॉन इब्राहिम है जो तुझे जानू जॉन इब्राहिम के बेके मेरे आगे सिट्टी कह मुझे सिट्टी पहलवान डार्लिंग मैं अपने गांव में बुग्गी झोटा उल्टा खींच दूं बस बस लगे तो दमे का सा मरीज है कौन कहे तुझे पहलवान वैसे ही गांव में कोई बच्चा बच्चा पीट दिया होगा तने अरे इस बात को छोड़ मेरी जान सेटिंग वेटिंग करेगी के मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है अब तेरी बहन के सबके ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है अरे कोई खाली भी है के माँ का जूता उसका तो मैं बाजा सा पाड़ दूंगा और बता तुझे कोई और दिक्कत है तो दिक्कत तो कुछ ना है पर मुझे तेरा कुछ भरोसा सा ना लग रहा कैसी बात कर रहा है मैं धोखेबाज दिख रहा हूँ तुझे धोखेबाज ना फिर हंगा सा ना दिख रहा तेरे में हट पागल मन ने कईयों के छप्पर से पाड़ रखे और एक बात सुन तू मुझे घनी अच्छी लगे अच्छा अब मैं चलती हूँ यार नंबर तो दे जा अभी नहीं बाद में अरे एक बार न्यू तो कर जा बाद में बट यस लाला अब दिल्ली जाएगा
पढ़ाई पे ध्यान दिए, खूब पढ़िए अच्छी तरह से मन लगा के। ठीक है पिताजी। पिताजी खेत तो मैंने बो दिया था, 10 दिन बाद इसमें पानी दुआ दियो, और बांगर वाले खेत में ना मक्का बो रखी थी, वह भी लगभग तैयार हो गई होगी, उसे कटवा दियो। बिल्कुल ठीक कह रहा है, या खेती तो तेने ना सिखाई हमें, हैं? दादा हो रहा तू तुम्हारा बिल्कुल ही। अरे वाह भाई वाह, अरे जाके अपना पढ़वा, इसे मैं दिखवा लूंगा, पहले भी मैं नहीं देखी या, समझ गया, बता रहा। तम पैना होने की है कदी, यहाँ और बीमारी में आके यहाँ काम करो और बीमार होकर लौटो। अरे मैं नहीं करने का, बेफिक्र रहे मेरी तरफ से। वे किशोर और जितेंद्र अपने आप देखेंगे, समझ गया, मैं तो कदी कदाक फेरा मारने आ जाऊं यहाँ से। वैसे मौसा ने कही थारते दिल्ली भेजने की? हाँ मौसा ने कही थी, वो सिटी जा रहा वहाँ पढ़न, यूं ही बात हुई थी, वो भी चला जाएगा तू भी चला जाएगा, दोनों का मन लग जाएगा और बढ़िया पढ़ोगे, और चला जा अपना आराम से, देखे नौकरी भी मिलेगी फिर। हाँ मुझे पता कितना पढ़ है, कितना जी करे उसका। क्या कह रहा? मैं तो नू कह रहा हूँ बस, मुझे तो खेतों में दया सी आ रही है जी। हाँ मतलब बेइज्जती खूब जम के कर ले तू आज मेरी, मेरे पे तो खेती करनी आती ही नहीं। कर भाई कर, तू भी कर, बेइज्जती कर ले तू भी। अरे यूं है ना, ऐसा धुआं पिछवाड़ा पे तेरे, तुझे पता भी फिर मैं कैसा हूँ। बड़ा आया किसान हूँ मैं, किसान देख किसान बन रहा, हम तो कुछ है ही नहीं। अरे बीमारी तो हो लिए, जानने तो सब है। पिताजी जानो तो हो, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, खेत मैंने बुआ दिया, तुम परेशान मत हो, यू तुम परेशान ज्यादा रहो। बेटा तू जा और पढ़, इसकी चिंता छोड़ दे, हम आपको देख लेंगे, ठीक है? ठीक है। ओ तेरी बहन के तो नाश हो गया दिक्कत, ए मौसा तुझे कौन सा जल्दी पड़ गई, बहन का ब्याह तो देख जाता। अरे क्यों रुक का तारते हुए आ रहा तू, और कहां बारिश में भीजता फिरे? अरे ऐसा क्या देख लिया तूने? अरे मौसा कम कम से सो तो ढंग में लिया करो, मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया। हाँ ऐसा के देख लिया तेने? अरे मुझे लगा मौसा तेरा सोप के उड़ गया और यू पाऊ में बैठ कर रो रहा। अरे नू क्या तेरे बापू से पहले जान वाला मैं? तू तो कति बावड़ा ही दिखे, अगर ऐसा होता तो यह सारा गांव इकट्ठा ना हो जाता, मैं तो पांव दबाता दबाता सो गया। अरे और बता सब ठीक तो है? मारा साडू भी ठीक है, अब तो आता जाता भी ना वो। तुझे तो पता मौसा मारे खानदान का, हम लड़ाई झगड़े से तो परहेज करते नहीं, ऊपर से दरोगा पीट दिया बापू ने, बस उसी के चक्कर में लग रहे हैं हम। अजी हाँ दरोगा पीट दिया, लोग तो न्यू बता रहे थे कि गन्ना पाड़ रहा था, कहीं से लुगाइयों ने पिटा कहियो। मौसा झूठ तो मैं बोलता नहीं, क्योंकि रिश्तेदारी की बात है, हुआ तो ऐसे ही है जैसे तुम कह रहे हो, पर एक बात बताओ तुम्हें किसी ने बताई ये बात अखबार में आई थी क्या? अरे चल छोड़ तू न बता कैसे आना हुआ। अरे आना के यहाँ तुम्हें फैसले में आया था, वो बड़ोत में गोली चल गई थी, उनका फैसला करवाया, फिर नहीं सोची मौसा से ही मिलता चलूं। अच्छा यू तो खैर बढ़िया करा, और बता सब ठीक है? चलो तुम दोनों बैठो और बतियाओ, ठीक है नहीं? बारिश भी थमगी, मैं जरा हांडिया हूँ गाँव में, ठीक है नहीं? और बता। और सब ठीक है मोहन भाई, मजा तो बस दिल्ली में आवे। भाई सिट्टी भाई तू सारा भेज गया, मैं तेरे लिए चाय बना लाऊं। चाय छी, मैं दूध पीता हूँ बादाम घोट के और उबिल लौट के। अच्छा सिट्टी नू बता, हाँ? दिल्ली में मजा कैसा आऊगा? मजा वहाँ सोनी सोनी लौंडिया, जिंदगी का मजा वही है बेटे, चल एक बार तू। तो तू वहाँ छोरी देखने जा रहा के? जा तो हम पढ़ नहीं, पर कदी कदी मन भी तो हरा भरा होना चाहिए। चल चल। अरे किशोर। हाँ भैया। यहाँ भाई। हाँ जी भैया। मोहन को छोड़ने जा रहे हैं भाई? हाँ जी। अच्छा एक काम करिए, ले
मोहन को कुछ पैसे दे दिए। ठीक है भैया। अरे एक काम करिए, बस में देखभाल के बिठवाइए, ठीक है? नहीं लंबा सफर है। ठीक है ठीक है, बाकी आप चिंता मत करो भैया, मैं सबको संभाल लूंगा। हाँ हाँ, आ गया भाई मोहन, हो गया तैयार? हाँ जी। अब बहुत दूर जा रहा, मन लगा के पढ़िए और अपना ख्याल भी रखिए, समझ गया? ठीक है पिताजी, तुम भी अपना ध्यान रखियो, और हाँ हुक्का ना पियो बिल्कुल भी। वो तो तेने पहले ही टांड पे रखवा रखा, हुक्का छोड़ा कहाँ था। ठीक है भाई। ठीक है पिताजी। बेटा पहली बार जा रहा इतनी दूर, बहुत ख्याल रखिए और सुन रोज फोन करता रहिए। ठीक है पिताजी। ठीक है चल। छोड़िया भाई से। ठीक है बेटा, मन लगा के शहर में जाके पढ़ाई करिए, अपना और अपने खानदान का नाम रोशन करिए, और हाँ छोरियों तो दूर रहिए बेटा। अरे चाची ऐसी किस छोरी में हिम्मत है जो मेरी गल हरकत कर सके। चल चल ट्रैक्टर खड़ा है चल। ठीक है पिताजी, तुम अपना ख्याल रखियो। हाँ बेटा चल भाई चल, जल्दी चल वरना वार हो जाएगी। ठीक है पिताजी। लायू बैग मुझे दे दे और तू ट्रैक्टर चला। अरे ना चाचा रहने दो, मैं ले लूंगा। अरे बैग हाथ में लेके थोड़ी चलाएगा तू ट्रैक्टर। ट्रैक्टर तो मैं चला लूंगा, पर तुम पिताजी का और घर का ध्यान रखियो। ठीक है तू चिंता मत कर, ध्यान से पढ़िए। चाचा मुझे तो पिताजी की चिंता हो रही है। तू चिंता मत कर, हम है देखने को। अरे मोहन रोकिए, कहाँ जा रहा है? राम राम। राम राम, कहाँ जा रहा है? अरे चाचा मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ, ये जबरदस्ती मुझे वहाँ पढ़ने भेज रहे हैं। अड्डे तक तो जा रहा है, मुझे भी ले चल यार। चला जा बैठ जा। और सब ठीक है? हाँ बढ़िया, पढ़ाई करने जा रहा है ना? हाँ चाचा। चलो कोई तुम्हारे काम में तो बाहर जा रहा पढ़ने के लिए। पिताजी ठीक है? हाँ जी पिताजी तो ठीक। अच्छा तो पढ़ने जा रहा दिल्ली? अब चाचा के बताऊं, पिताजी जबरदस्ती कर रहे हैं, मानने रहे, मेरा तो मन ना जाने का। अरे नहीं यार ठीक है, तेरी किस्मत बड़ी अच्छी है, तू कम से कम पढ़ने तो जा रहा है। हम तो किसी ने पढ़ा ही ना, हम तो अनपढ़ रह गए, कम से कम हमारे गांव में एक पढ़ लिख के तो आगे निकल जाएगा। नहीं चाचा मैं पिताजी का विश्वास बिल्कुल नहीं तोड़ने का, मैं वहां जाकर मन लगा के पढ़ूंगा और उन्हें कामयाब होकर दिखाऊंगा। हां बिल्कुल बेटा, मेहनत करके पढ़िए। ठीक है चाचा। आगे चिंता मत मानी, मैं भी चक्कर लगाता रहूंगा घर। तू तो बड़े चक्कर लगा रहा, तू तो चुप रहने सैडी। अब आई तुम को, तू तो चुप रहने सैडी, पागल हो रहा है? तुझे तो सारा काम जाने, बाल को कह रहा तुझे शर्म नहीं आ रही? बिल्कुल बोले बोले जा रहा है, उसके बालक ना दिखे जब के था। तू घबराई मत ना बेटा, ध्यान लगा के पढ़िए। चाचा तुम चुप रहो। चाचा स्टैंड आ, उतर रेस्टोरेंट भी आ गया, इसमें उतर तक क्यों ना है? हाँ मैं तो उतरूंगा, तू जी सीधे ठेके पे। बेटा ध्यान से जिए, किसी बात की चिंता मत मानिए। ठीक है चाचा। ले बे मोहन आलित रेस्टोरेंट। हाँ चाचा। यार गर्मी बहुत हो रही है। चाचा पिताजी का ध्यान सारा रखना, उनके फोन में डॉक्टर का नंबर है, कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर को फोन कर लियो। ठीक है तू चिंता ना कर, रुक जा, भैया ने कुछ पैसे दिए थे, ये 4,000 है, बाकी और अकाउंट में भिजवा देंगे। ठीक है वो तो ठीक है, पिताजी का इलाज खतौली वाला डॉक्टर ना वो बंगाली, उसके ही इलाज चल रहा था और वहीं तो आराम लगा, तो वहीं दिखा दे कोई दिक्कत हो तो। देख हम कोई पराये थोड़ी है, हम पूरा ध्यान रखेंगे, तू बेफिक्र रह और अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखिए पूरा। बांगर वाली जो फसल है हमारी वह बिल्कुल पकली है, पहले कटाई उसमें लगवाइयो, कड़ी सड़क वाली में लगवा दो। तू तो यार हमें कुछ मायने ना रहा, हम पे आवे खेती करनी, बेफिक्र रह तू। अरे हाँ हाँ चाचा मैं तो बस बताई तो रहा था। देख भैया तू आराम से बैठ गई बस में, ले भाई। ठीक है चाचा, तो तुम पिताजी का ध्यान रखो। तू चिंता ना कर, बेफिक्र होकर जा, पढ़ाई दिल से करिए। ठीक है चाचा, ध्यान रखिए चाचा। ठीक है बेटा। एक का तो पत्ता कट गया, अब उस बुढ़े का और राह बिठाना है। चल भैया ठेक का भी इंतजार कर रहा होएगा।
किशोर। हाँ भैया। छोड़िया है मोहन को? हाँ, उसे तो सीट भी मिल गई। सीट भी मिल गई? हाँ जी। यो बहुत बढ़िया हुआ, बहुत लंबा जाना था उसे। कतई पूरी बस खाली थी जी। अरे वाह, बैठ के जागा, आराम से जागा। हाँ जी। तो बहुत बढ़िया हुआ। हाँ जी। भैया मैं शहर जा रहा हूँ, सुपर नेपियर ग्रास आया एक बाजरा, एक बार वो दो कई साल तक चला है, ना जुताई ना खुदाई, बस उसे काटते रहो। उसे ले आऊं सोच रहा हूँ। भाई एक काम कर लिया, अरे बांगर वाले खेत में वही है, ज्यादा लेके ना ये ठीक हुआ तो उसे आगे और भी जगह बोलेंगे, समझ गया? जा ले आ। मेरे दोस्त ने लगा रखा, उसने बताया, बस ले आऊं। ठीक, बहुत बढ़िया, लग गए काम पे तो दोनों के दोनों। ठीक कर रहे काम को तो। खैर मोहन बेचारा वहां चला गया, मैं सोचू था इस सारे काम धाम को कौन संभाल लेगा। ठीक संभाल रहे दोनों के दोनों। चलो और सबसे बड़ी बात है, कम से कम देर आए दुरुस्त आए, इन्हें अकल तो आई, अब आगे ये सारे मामले को संभाल लेंगे। जलर कुल को मिलते हुए ज्यादा समय ना लगता, वैसे सही कह गए बड़े बुड्ढे। सिट्टी, ओ सिट्टी, अरे खोली कुआड, अरे दोपहरी होली सोरा दिखे अब तक। सिट्टी भाई खोल दे। अबे कौन है बे? मैं हूँ मोहन। अगर कोई बिना मतलब का मजे लेने वाला हुआ ना तो हड्डी तोड़ दूंगा, सूरमा बना दूंगा। अरे कहाँ रह गया? आलिया भाई, आलिया रुक जा भाई। अरे तन्ने के कर रखा है, आर्यू सारा सामान बिखेर रखा। ये कपड़े देखिए, ये सारे बैग खोल गिर रखे। देख सारा कबाड़ गिर रखा। अरे पन्नी तो कम से कम डस्टबिन में गिर देकर उठा के, कुत्ता ही पूंछ मार के बैठे। तू अंदर आ, आप पानी ले यार, भीतर आ। सारे में गंद फरा रखी है यार। आ जा भाई बैठ। यू के कर रखा तन्ने, सारे में तो बीड़ी के टोटे गिर रखे तन्ने। जा एक काम कर, झाड़ू ला इन्हें सकेर, और बीड़ी बाहर पिए कर जाकर, समझ गए ना? एक बात बता भाई, तू भाई है या मेरी लुगाई है? तू बीड़ी पी के देखे, पता लग जाएगी भाई हुआ लुगाई। बीड़ी तो पीनी पड़ेगी भाई, पर मैं मजाक कर रहा था यार। इन्हें साफ कर दे। ये गिलास, ये देख क्या है ये, ये देख ले। यार सिट्टी साफ सफाई रखनी चाहिए, देखिए। साफ के लिए ही तो मेहनत कर रहा हूँ मैं, सोच रहा हूँ कि सेटिंग बैठ जा, देखेंगे कुछ करेंगे। बैठ ली तेरी सेटिंग, होने वाला बस काम, इसी चक्कर में तो मैं दिल्ली पड़ा हूँ। हाँ हाँ भाई रुक जा। हाँ हाँ भाई एक बात सुन, कल चलेंगे हम कॉलेज, वहाँ देखेंगे हम नई नई लौंडिया। आहा, कोई जींस में, आहा कोई स्कर्ट में, कोई सलवार में, और जो मैडम आवे ना, कोई कोई तो ऐसी साड़ी में आवे, मजा आ जा, पूरा जन्नत कट जाएगी जन्नत। तू एक बात बता, तू कॉलेज में वहाँ छोरी देखने जावे पढ़ने जावे? तू एक काम कर ले। कौन सा? तू लगा ले गोल गप्पे की रेहड़ी। अच्छा, और बहुत सारी छोरी तेरे चौकर तू घूमती रहेंगी, जींस वाली भी रहेंगी, स्कर्ट वाली भी, और धोती वाली भी, और बाद में तुझे भी काम करना, इस काम को पहले कर लेना तू। ओ नाना भाई, मुझे पढ़ना है, पास भी होना है, सारे काम करने और लोंडिया पटानी है। मेरा बापू बहुत बड़ा जार समझा है ना अपने आप को, मुझे उससे पीछे नहीं रहना है, मुझे उससे आगे निकलना है। सारा सारा खानदान ही एक साथ। सारी उम्र सोते रहियो तुम। अरे क्या हो गया, रात भर तो तेरी टहटह ने सोन देती, और सुबह थोड़ी सी आग लगी थी, आके जगा दिया। तुम इतनी मेहनत करते हो खेतों में, और मेरा भाई कार बेच रहा है, मैं चाहती हूँ वो कार हम ले। अरे कहाँ से ले लेंगे गाड़ी, मुझ पे कोई पैसे रखे हैं क्या? तो यहाँ क्यों लेके आए, इस बुड्ढे की सेवा करने के लिए? इस घर में हमारा भी हक है, बोलो जाके उसको। अरे भगवान धीरे से बोल, इस घर में नए नए आए हैं, थोड़ा सेटल हो जाए, एकदम से पैसे कैसे मांग लूं? जब समय आएगा सब कुछ हो जाएगा, तू तो समझदार औरत है, तू तो समझ जा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस वो कार चाहिए, नहीं तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। अरे थम जा, सोचन दे कुछ, अजान दे किशोर को बात करूंगा उससे। अरे मेरे बारे में बात हो रही है के? हाँ भाई किशोर तेरे बारे में बात हो रही है। फिर बता भी दे के बात हो रही है। बात क्या है, मेरा साला गाड़ी बेच रहा, अभी वो कह रही है कि उस गाड़ी को ले लें।
अरे तो बहुत बढ़िया बात है यार, बता भाभी कब लानी है गाड़ी। देखो मेरा देवर बेचारा कितना अच्छा, और एक तुम निठल्ले बुद्धू कहीं के। अरे पैसों का जुगाड़ तो कहीं भी ना है। अरे ये है ना महेंद्र, इसे तकादा करेंगे, क्यों टेंशन ले रहा। चल फिर तो ठीक है, अब तो चाय बना ला। चलो मैं चाय बना के लाती हूँ। अब गाड़ी में घूमेंगे, गाड़ी में घूमेंगे। अभी चला नहीं ना। हाँ मैं चला रखी है। कदी गियर फास्ट है। सिटी, ओ सिटी, अरे उठ जा ओ बैठ के मरीज। के यार छुट्टी के दिन तो सोन दिया कर। तू यहाँ छुट्टी मनाना आया दिखे। करने तो बहुत कुछ आया हूँ पर तू कुछ कर नहीं दे। तू एक काम कर, तावली सी उठ ले और बाथरूम में चला जा, और ना मैं नहान घुसूं। अरे मैं तो चला जाऊंगा, पर तू न्यू बता सुबह सुबह कहाँ तो आया, रेलवे फाटक पर गया था कि हल्का हो न। अरे हल्का तो सुबह ही मैं यहीं हो लिया था, मैं तो घूमने चला गया था, पर यार मुझे तो कोई पार्क ही ना मिला, मैं तो ऐसी रोड पर घूम कर आ गया। अरे बात सुन, कल मैं लेके चलूंगा यूरा घर के पीछे पार्क, मैं गया था कल तू तो मिला नहीं। अरे एक लोंजे की चुन्नी गिर गई, वो देख चुन्नी वो डंगरी वो तो मिली नहीं, इसे खा लाया मैं पकड़ी। और ले केक रेस का देख, खुशबू आ रही है उसकी और मुझे याद भी घनी आ रही है। अब तू एक बात बता, बाथरूम में तू जा रहा या मैं जाऊं। ओ भाई मैंने कौन सा डाइपर लगा रखा, मेरा हो रहा पल्सर तेज, तू रुक मैं आ रहा हूँ। अरे इसे तो ले जा, इसे भी सूंघ ले वहीं बैठ के। पता नहीं यार कैसा आदमी है, इनके परिसर लग रहा, उठा दिया तो इन्हें पता लग गया कि इनका परिसर लग रहा। क्या करें सिटी तेरा, कोरोना ने भी देश दुनिया का नाश कर दिया, लोग मरन लग रहे, हरदम घुट घुट के मरन लग रहे। भैया राम राम। राम राम भाई राम राम, क्या बात, खेतों की तैयारी कर दी, खेतों में जान लगे। हाँ भाई जाए तो खेतों में रहते, पर क्या चुप क्यों हो गया, बता बता। भैया मेरा वो सालाना सुनील, हाँ वो नई गाड़ी ले रहा, पुरानी गाड़ी बेच रहा, हम सोच रहे उस गाड़ी को अपन ही ले लें। भैया बहुत शानदार गाड़ी है और मैं चला भी रखी है। अरे भले शानदार हो, हमें गाड़ी का करना क्या। पर अरे भैया बहुत काम हो, मैं अबेर से बेर काम पड़ जावे, किस किस का मुंह देखते फिरेंगे, अपनी गाड़ी होगी कहीं भी चल चलेंगे, वैसे भी तुम बीमार रहो कभी भी जरूरत पड़ सके। अरे हमारे पे ट्रैक्टर नहीं खड़ा क्या, हमें जरूरत है क्या, खामा खाई खर्चे बढ़ाने की बात करो जाओ तुम तो। भैया देख लो गाड़ी की जरूरत तो पड़ती रहे। अरे एक बात सुनो, गन्ने के पेमेंट से तो कृषि कार्ड भरा, मोहन भी बाहर पड़ रहा, उसके भी खर्चे बढ़ रहे हैं, ये भी ना मेरा। भैया काम तो करे से ही होंगे, अब देखो ऐसी तो कोई अपने घर में भूखमरी है ना, जो अपन भूख के मर रहे हैं, कृषि कार्ड के पैसे उन्हें निकाल के, और हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, हम जमा कर देंगे, वैसे भी ज्यादा महंगी थोड़ी है, 1.5 लाख रुपए की तो है। अरे पता कृषि कार्ड इनके कैसे कैसे भरा गया था, मेरा तो मन मान नहीं रहा। भैया हमारा तो बहुत मन है, और देखिए हम तुम्हारी कितने सेवा करें, और भाभी बिचारी उस गाड़ी को हम ही ले हुए हैं। अरे तब मुझे सोचने का मौका दो, समझ गए, सोचन दो तब मुझे। सोच लो भैया, मगर लेट हो गए ना, वो गाड़ी हाथ से निकल जाएगी। अरे निकल जाएगी तो क्या हो गया, दुनिया में और गाड़ी ना है क्या, तुम तो ऐसी बात कर रहे, बस वही गाड़ी है, और अगर गाड़ी लेनी होगी तो दूसरी ले लेंगे, नवी ले लेंगे। भैया तुम तो हमारे सुनना रहे, मुझे लगा तुम अब भी हमसे नाराज हो। अरे तुम बच्चों की तरह तो कराय मत करो, मैं कोई नाराज ना था रे से, समझ गए। नाराज ही हो जब तुम हमारी बात ना मान रहे और इस तरह की बात कर रहे हो। अच्छा अभी वो बच्चों की तरह ड्रामा तो करो मत ना, कल को खेत में से आ जाइयो, बैंक लेके चलूंगा तुम्हें, ठीक है, बालकों की तरह नौटंकी करने लगे इब जा। सिट्टी, ओ सिट्टी, सिट्टी पता ना कहां फिर आई, इसका कुछ नहीं पता, एक कप चाय पी लेता तो 2-4 घंटे बैठ कर पढ़ लेता। अरे तू कैसे टांगों में पूंछ रहा घूम रहा। अरे यार तू बाहर को चल, सामने वाली छत पे ऐसी लौंडिया खड़ी है, भाई साहब तबीयत खुश हो जाएगी, तू बाहर निकल किताब चाट रहा दे, मतलब देख ले जाके। मैं सोच रहा दोनों भाई यहाँ चाय बना कर पियेंगे, तू सारा छोरी देखता फिर है यहाँ। अरे एक काम और करिए, अगर वह छोरी सेट ना हुई ना तो तू ऊपर से कूद जाइए। मैं भी नहीं जाता हूँ अब, सही है
एक काम कर ले, ना जा रहा तो चाय धर ले। हाँ। अरे भाई माल बहुत जोर का भाई साहब, कसम रामदेव की। अरे वो रामदेव ना होता, वो कामदेव हो। हाँ हाँ जो भी हो, पर सैर जरूर करनी है। हाँ अपने काम वाली बात मान रहा होगा, जैसे तू और तेरे बापू घस्ता छेड़ते फिरो। बेटे दिल्ली पुलिस है यहाँ, ऐसा फट्टा फेरेगी ठीक कर देगी तुझे। यार तू मेरा दोस्त है, तू मेरा हौसला बढ़ा रहा है या हौसला प्रस्त कर रहा? बहुत बढ़िया काम करने जा रहा तू। तेरा तिलक करूंगा, तेरा टिक्का करूंगा, तुझे दही खुआऊंगा, तुझे आशीर्वाद देऊंगा, तेरी पीठ थपथपाऊंगा और जना के करूंगा मैं तेरी गैल। भाई एक बात मेरी समझ में आ गई, जो मैं तेरी गैल 3 साल रह गया तो तू मुझे बजरंग दल में भर्ती करवा देगा। अच्छा सुन, चाय पी के उस पार्क में चलेंगे जिस पार्क को तू बता रहा था। चल तो देंगे, पर यार उस पार्क में बुढ़े ज्यादा और लौंडिया कम आवे। अरे कोई ना, चाय पी के चल रहे हैं। ठीक है भाई, जैसे तेरी मर्जी। और सुन, चुन्नी वाली मिल जाता यस, अब मामला सेट हो सके। मैं चाय लाया। हाँ है भाई, तू तो सही कह रहा था, मैं तो करे बुढ़े बुढ़े घूम रहे हैं, पर हमने की करना, थोड़ी बहुत देर घूमेंगे और चलेंगे फिर अपने घर। अरे और के इनके घरों जाएंगे हम। एक काम करिए, तू चला जी इनके घर। मैं धार काट दूंगा। चल क्या हुआ बाबूजी? बाबा आप ठीक तो हो? लो पानी पियो, पानी पियो। जीदार है बेटे। कोई नहीं बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा धन्यवाद करने की कोई जरूरत ना, बस आशीर्वाद दे दो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है हमेशा। बाबा थोड़ा सा आशीर्वाद मुझे भी दे दियो। जीदार है बेटा, जीदार। क्या हुआ बाबा, आप ठीक तो हो ना? बेटा खांसी उड़ गई थी, इस प्यारे से बच्चे ने मुझे पानी पिला दिया, अब ठीक हूँ। बाबा आप ज्यादा मत घूमना, ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक है। तुम्हें दिखाई नहीं देता इतनी उम्र के आदमी को तुमने ऐसे घूमने के लिए छोड़ रखा है, और ना साथ में पानी की बोतल है। कैसी पोती हो तुम? बेटा ये सबकी पोती है। मतलब? यहाँ पास में एक वृद्धाश्रम है और वहाँ मैं इन सब की सेवा करती हूँ और रोज शाम को पार्क में घुमाने लेके आती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, सैल्यूट है तुम्हारे काम को। आजकल के बालक कहाँ सुनते हैं अपने बड़ों की, और एक आप हो जो बुजुर्गों की सेवा करते हो, सच में दिल से थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी तुम अकेली इनकी सेवा करती है, कोई और लड़की भी है तुम्हारे साथ? जी आश्रम ही मेरा घर है और मैं अकेली ही इनकी सेवा करती हूँ। मतलब आप कहाँ रहते हो? अनाथ आश्रम में ही मैं पली बड़ी थी और उसके बाद में यहाँ आ गई। इनकी सेवा करना मुझे अच्छा लगता है और यही मेरा धर्म है। मुझे भी ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत गुस्सा आता है उन बच्चों के ऊपर जो अपने माँ बाप को ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। बेटी ये कितने अच्छे बच्चे हैं, इन्होंने मुझे पानी पिला के मरने से बचा दिया। बाबा को पानी देने के लिए थैंक यू। चलेगा भी घर ही छोड़ के आओगे बुड्ढे को? अरे चलेगा भी, चल आ। मैं तेरे से पहले कर रहा सारे बुड्ढे बुड्ढे मिलेंगे, मेरे हिसाब का तो कोई मिला ही नहीं। देखो मैं तो नू कहूँ, फिर भी गांव में चोलर है, गांव में फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा। यहाँ तो ना तो कोई खेतों में जाने से रुक रहा, ना किसी के घर जाने से रुक रहा, सब कुछ ठीक ठाक है। पर इस कोरोना से ना, इससे इन पूरे शहरों में तो हाहाकार मच रहा, हाहाकार। आप ठीक कह रहे हैं ताऊ जी, इस कोरोना से तो बहुत बुरा हाल है अस्पतालों में। हाँ सुन तो रहे हम भी। अच्छा ताऊ जी मैं चलता हूँ, मुझे खेतों में पानी भी देना है। ठीक ठीक है, राम राम जी। तुम भी चल दिए? अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। अरे गाड़ी ले आए भाई।
भैया ले आए गाड़ी। अरे बहुत बढ़िया ले आए। हाँ बहुत शानदार है गाड़ी, बढ़िया लग रही है भाई, चाहे कुछ भी हो 22 शीशा तो है ना, पर इसमें पीछे थोड़ी सी ना इसकी सर्विस करवानी पड़ेगी, तो जब जाके ठीक हो जाएगी पूरी तरह से। चलो भाई सर्विस भी करवा लियो, सेवल तो कर दो। हाँ ठीक कह रहा है, सेवल करवाओ भाई। पानी ले आओ। अरे ले आए गाड़ी। हाँ देखो आज तो गाड़ी में घूमने चलेंगे। हाँ क्यों नहीं, खूब चलेंगे। आज तो हम खाना भी बाहर खाएंगे। जरूर भाभी जरूर, जैसी थारी मर्जी भाई। चलो पैसे लेते जाइयो। ठीक है भैया। आप ना चलने के, बस तमी घूमता हो, थारी काम है ये। ठीक है नहीं, इसकी गाड़ी बढ़िया, इसकी सेवल तो कर दो। हाँ सेवल करो, तिरपाल डाल दे उसमें रह जाओ। ठीक है भैया जल्दी सेवल कर रही हूँ। अच्छा खाना खान जाओगे बाहर? हाँ भैया। लो 1000 रुपये भैया। सर्विस क्यों देते भैया? अरे आज खाना खाया हो, सर्विस कल करा लियो, और एक काम करियो जल्दी आ जाइयो। ठीक है ठीक है, नहीं जल्दी आ जाइयो। ठीक है भैया। भैया बिल्कुल टाइम से आ जाए, घूम के आओ जाओ। मैं कह रहा था तुम भी चलते। जाओ जाओ। गाड़ी तो ठीक ही ले आई है, चलो चाह भी थी गाड़ी, गाड़ी तो चाहिए ही थी एक घर में। हारी बीमारी सोची जो जा, चलो ठीक है, कहीं बेकार चीजों में तो पैसा ना लगाया इन्होंने। अबे सिट्टी मार्केट में आ ही रहे हैं। हाँ तो क्यों ना इतना सब्जी लेके चलते हैं। हाँ सब्जी तो ले ही लेंगे, पर पहले आइसक्रीम तो खा ले। अरे आइसक्रीम खाने का मौसम ना, वैसे ही कोरोना चल रहा, पता ना कि की बीमारी चल रही है, बाहर का कम से कम खाने की कोशिश करनी चाहिए। अरे कुछ ना होता, एक कप तो खा ही ले। चल चल देख यू आ गया आइसक्रीम वाला भी, चल खा ले तो। ओए रुक जा रे, रुक जा। ला भाई आइसक्रीम खवा दे। कितने वाली दे भैया? कौन सी खानी है? बढ़िया वाली दे। कितने वाली दे? 5 वाली, 10 वाली, 15 वाली, 20 वाली, 50 वाली? 50 वाली दे। 50 वाली दे। जानता ना दिखे ऐसी टिकू। जल्दी कर ना, धर दूं इतने में मैं। पैसे दे दो भाई। ले भाई। ठीक है भाई। हाँ हेलो। अरे आप लोग यहाँ? कुछ नहीं बस सब्जी लेने आए थे। पर आप तो आइसक्रीम खा रहे हो। अभी सब्जी ली नहीं है, आप बताइए आप कैसे छोड़ के आए इतने सारे लोगों को? एक बाबा जी की दवाई खत्म हो गई थी, वो ही लेने जा रही हूँ। अच्छा आप आइसक्रीम खाओगी? नहीं मैं ये सब नहीं खाती। अरे खा लीजिए ना, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं मैं ये सब नहीं खाती। आपने पढ़ाई नहीं की? की है ना 12वीं तक। आगे की पढ़ाई नहीं करनी? नहीं जरूरत नहीं है। फिर भी आप आगे की पढ़ाई तो कर सकते हो। नहीं अब जिंदगी का जो लक्ष्य है उसी पर चल पड़ी हूँ, अब पढ़ाई का क्या करना है। अच्छा ठीक है बाय। बताओ कतई बालक हो रहे हैं, लापरवाही की भी हद हो, नू भी ना सोचा, बीमार माना से दवाई भी लेगा, दवाई को तो छोड़ दो। अरे खाना भी ना खाया, खाना खाऊंगा तभी तो दवाई लूंगा, पर कुछ नहीं सोचा। बता 8 से ऊपर हो लिए, सारे गांव में सुहाड़ पड़ रहा, पर शर्म नहीं आ रही। गाड़ी ली, दावत लेंगे, खाना बाहर खाएंगे। लेटे हैं भाई, मैं तो बैठे बैठे भी थक लिए। बता भाई कितनी देर होली, इबलो भी ना आए, आधा घंटा और बाट देख लूं, नहीं तो फिर दोपहर का तो कुछ धरा ही होगा, उसे ही खा लूंगा और क्या होगा। बता 9 बज लिए, Thank you.
हद कर दी भाई हद, इबलो भी नहीं आए, कुछ खाई लूं, पता नहीं भाई कितना टाइम लगावेंगे, आज तो नई गाड़ी है, रसोई में ही देखूं, कुछ ना कुछ तो धरा ही होगा। अरे चलो लाइट तो आ गई, ये नहीं आए। चलो आज बासी रोटी से ही खा ले भाई, दवाई भी तो लेनी है। भी नहीं आए, पिताजी खाना खाओ, खाना तो मैं ही खाता हूँ। बहुत बढ़िया बनाया। अब तुम रोटी खा लो, मैं थाली में दवाई ले आऊं। आज खाना बहुत बढ़िया बनाया तन्ने, मजे मजे में दो रोटी फालतू खा गया। और तुझे काम ही क्या रोटी तोड़ने के अलावा? हड्डी भी तोड़ दूं मैं चटाक करके। चल बीड़ी लगा एक। क्यों बीड़ी पीऊं मैं? तेरे मुंह में हुक्के की नार दे दूं, चुपचाप लौट जा आराम से। हम तो नहीं लौट जाएंगे। यार सिट्टी, पिताजी से बात करे भी कई दिन हो गए। हाँ कर ले, पिताजी से बात कर लो। कर ले, चुप रहिए थोड़ी देर। हाँ अरे ये किसका फोन आ गया भाई? हेलो हेलो हेलो, पिताजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसा है मोहन बेटा? तुम ठीक हो पिताजी? भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता खाना पीना खा लिया? हाँ पिताजी अभी खाया। अब लो तो चाची ने तुम्हें बना के खवा दिया गरम गरम। अरे बेटा आज तो ऐसे ही खाया, बस पूछे ना, वे तो बाहर गए हुए और बाहर ही नु बता रहे थे खाना खा के आवेंगे। क्यों? अरे वह गाड़ी ली, तुझे बताया तो होगा, नई गाड़ी लेने पे उन्हें कह रहे थे बाहर ही जा रहे, घूम के भी आवेंगे और खाना भी वहीं खा के आवेंगे। ना मेरे तो ना बताई, पर तुमने गाड़ी में पैसे खराब क्यों कर दिए? तुम एक बार मेरे तक पूछ तो लेते। अरे वो कह रहा था किसी और कैनला का गाड़ी ले लो,
तो बस किसी से कुछ पैसा उठा लिया और गाड़ी ले ली। पिताजी तुम भी बिना पूछे कुछ भी काम कर लो, एक बार पूछ तो ले करो। भाई मैंने तो सोचा कि सोर ने तुझे बता दिया होगा। चलो तुमने खाना तो खा लिया ना? हाँ भाई खाना तो खा लिया, बस अब दवाई लूंगा। हाँ ठीक है, पर दवाई तुम टाइम पे ले ले करो। हाँ भाई अब बस दवाई लेने के लिए आया था, दवाई लूँ अब जा। ठीक है पिताजी, नमस्ते। नमस्ते जी, तारे बेटा अपना ध्यान रखियो। हाँ बेटा मैं तो रखूँ, पर तू भी अपना ध्यान रखिए। ठीक है पिताजी। अच्छा बेटा सब ठीक ठाक है? हाँ ठीक तो है, पर क्या बताऊँ पिताजी, दवाई के प्रति लापरवाह है मैं। डॉक्टर ने बता रखी दवाई टाइम पे ले करो। हाँ। पता ना कभी लेट कर दें, कभी भूल जावे। चाचा चाची कहीं होटल में जा रहे कहीं आज रोटी खान, पता नहीं यार अपने आप ही बना खाई दिखे। चल सोचेंगे इस बारे में। हाँ ठीक है, मैंने पिताजी से पहले कही अगर दवाई टाइम पे ले ले करियो तुम। अच्छा अरे यार क्या करूं। दे भैया नमस्ते। मतलब पार्टी ज्यादा ही बढ़िया होगी दिखे। अरे वह जितेंद्र, जितेंद्र ना तेरा बड़ा घर आ गया। अरे आ गया। हाँ पार्टी ज्यादा ही बढ़िया करके आए, दिखो तुम तो। हाँ पार्टी बहुत बढ़िया रहे जितेंद्र। अरे जितेंद्र आ गए भाई घर। अरे आगे आज तो हद ही होली भाई, हद होगी हद, कतई हद कर दी निकम्मों ने तो आज। प्रधान जी राम राम। अरे राम राम भाई, सब ठीक ठाक जी? सब बढ़िया जी, आपकी दुआ से। पिताजी कैसे है तेरे? पिताजी तो खाट में ही पड़े जी अभी। अच्छा हाँ भाई, लड़की का ब्याह तय कर दिया था ने? हाँ जी अगले महीने है। अच्छा अगले महीने है जी। कहाँ करा रिश्ता? लुहारी करवा दिया था जी फुप्पा जी ने। अरे वाह बहुत बढ़िया, वही करा। अच्छा और कहाँ से आ रहा? बस जी योजना वाले फार्म आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया था वो, वहाँ से बैंक में पैसे आ गए, पैसे ले कर आ रहा हूँ। अच्छा वो उत्तर प्रदेश कन्या विवाह जी 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 योजना? हाँ जी। अच्छा उसमें से पैसे आ गए? हाँ जी आ गए भाई। बहुत बढ़िया हुआ, देख गाँव में ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे ना हैं। सरकार योजनाएं तो बहुत बनाओ है। हाँ जी। पर योजना नीचे तक नहीं आती जी। नीचे तक आ जा तो कोई और खा जा। तूने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया? हाँ जी हाँ जी हाँ। रजिस्ट्रेशन करा लिया था, अब दो पैसे भी आ गए, अब तेरे पास अपना ब्याह में भी सारा लग जाएगा। ठीक है नहीं? हाँ जी। बहुत बढ़िया हो गया, चल अब ढंग से कर लिया। हाँ जी बढ़िया करूँगा जी। अरे एक बात सुन जी, पैसे दे लेगी कुछ जरूरत पड़े ना, ये किसी और बात जी तो जी यकीन ना एकदम। ठीक है प्रधान जी मैं बोल दूंगा। ठीक है जी। ठीक, राम 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 भाई राम राम भाई। तू एक काम कर मोहन, तू पढ़ाई कर, मैं एडमिशन फॉर्म ले आऊं। अरे यहाँ कौन से मदरसे के फॉर्म बट रहे हैं? अरे मदरसे के ना, सेटिंग का। सेटिंग का? तू चला जा, मैं तो कहूँ भगवान करे और तू जब भी आवे ना जब भी पिटका आवे। अरे भगवान इतनी आसानी से ना सुनता, अगर सुनता होता ना तो मेरे 5-10 बालक होते। और एक बात और सुन ले, ऐसा कोई माई का लाल पैदा ना हुआ जो सिट्टी की पूछ पे पाँव धर दे। तू चला जा, तेरी पूछ पे मैं ही धर दूं। चला जा चल। यूं बात अलग है। अरे आप, और वो भी अकेले, आज आपकी फौज कहाँ है? हाँ आज कोई नहीं आया तो सोचा मैं अकेली आ जाऊँ, और कभी कभी अकेला रहना भी अच्छा लगता है। पर आप तो मेरे पास आ गए,
अकेले कहाँ हो? अगर आपको अकेला बैठना होता तो आप उधर बैठते। ठीक है, फिर मैं चली ही जाती हूँ। मुझे लगता है मैंने आपको पढ़ने में डिस्टर्ब कर दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। आप बैठिए ना। सॉरी। अरे आप बैठिए ना। नहीं नहीं, आप पढ़ाई कीजिए, मैं चली जाती हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप बैठिए प्लीज। वैसे आपने कभी कोशिश नहीं की अपने माँ बाप के बारे में जानने की? नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। अब तो जो मेरे साथ हैं वही मेरे माँ बाप हैं। फिर भी आपको ये जानने का तो मन हुआ होगा कि आपका घर कहाँ है या आपके वजूद से जुड़ी हुई चीजें कहाँ हैं? अरे छोड़ो ना आप ये सब बात। आज आपका दोस्त नहीं दिख रहा जो अक्सर आपके साथ रहता है। अरे आया तो है पर वो अपना इलाज करवाने गया। क्या हुआ उसे? सब कुछ होने से पहले। मतलब वो मस्त मौला आदमी है और कहीं घूम रहा है वो सिट्टी बजाता हुआ। अपनी जिंदगी वो अपने हिसाब से जीवे। अच्छी बात है। अच्छा आपके घर में कौन कौन है? मैं और मेरे पिताजी। और माँ? माँ तो जब मैं 4 साल का था जब ही भगवान को प्यारी हो गई थी। फिर आपके पिताजी अकेले होंगे? नहीं अकेले क्यों होते, 2 चाचा है, चाची है, उनके सारे तो उन्हें छोड़ के आया हूँ मैं, ना मैं बिल्कुल नहीं आता। फिर यहाँ खाना आप बाहर खाते हो या खुद ही घर पे? खाना तो हम खुद ही बनाते हैं। देखो बाहर इतनी बीमारी चल रही है, कोरोना चल रहा है, वैसे खाना खुद ही बनाना चाहिए। बाबू? बाबू? ये बाबू कौन है? वो सॉरी गलती से मुंह से निकल गया। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसे वर्ड पसंद नहीं है। मैं आगे से ध्यान रखूंगा राधा। वैसे आपकी हॉबीज क्या क्या है? मुझे जरूरतमंद की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। अरे नूना पूछ रहा मैं, जैसे कुछ खाना हो, कहीं घूमना हो और बहुत सारी चीज हो, नए लत्ते कपड़े हो, ऐसा पूछ रहा हूँ मैं। मैं उतने ही सपने देखती हूँ जितना मुझे देखने का हक है। अगर मुझे उससे ज्यादा सपने देखने का हक होता तो ऊपर वाला मुझे दूसरों के सहारे नहीं छोड़ता, मुझे अपने परिवार के साथ रखता। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? छोड़िए इन सब बातों को। अच्छा अब मैं चलती हूँ। रुकिए ना, 5 मिनट और बैठ जाइए। पर 5 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए, मुझे आश्रम में काम भी होता है। ठीक है बैठो। थैंक यू। क्यों? आश्रम में आके का तुम मेरे काम में हाथ बटा दोगे? हाँ बटा दूंगा, पर मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा जब मैं आपकी हेल्प करूँगा। अच्छा तुम्हें क्यों अच्छा लगेगा, बोलो ना क्यों अच्छा लगेगा आपको? दोस्त की मदद करना बुरी बात है क्या? अब ये दोस्ती कब हुई? मुझे ना पता कद हुई। झूठ बोल रहे हो तुम, अगर सच बोलते तो मुझसे यूं नजर ना चुराते। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं जीवन में तुम्हें कोई खुशी दे पाऊं। झूठ तो नहीं बोल रहे हो तुम? झूठ बोलकर मैं मेरे दोस्त को नाराज नहीं करना चाहता। मुझे तो आपका नाम भी पता नहीं है। मेरा नाम है मोहन, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम राधा है। ठीक है तो फिर मिलते हैं, 5 मिनट में पूरी होगी ना। अपना फोन दो मुझे। हाँ ये आश्रम का नंबर है और ये फोन मेरे पास ही रहता है। ठीक है अब मैं चलती हूँ। वाह बेटे, मुझे तो ज्ञान दे रहा, खुद छोरी पटा ली, नंबर भी खुद ही देगी। अरे नहीं यार, बस दोस्त है। अभी तो दोस्त है, फिर प्यार होगा, फिर शादी होगी माँ का जूता। शादी? तू तो बहुत आगे तक की सोच रहा भाई। तू शादी कर या जसुट्टन कर, मुझे तो पार्टी चाहिए पार्टी बस। सिट्टी आज तुझे राजमा चावल बनाकर खुवाता हूँ। हाँ तो चल। चल माँ का जूता। Ah!
किशोर, किशोर, जितेंद्र, देखियो बुड्ढा क्यों गेटवा पाड़ रहा है। जितेंद्र, जितेंद्र, कैसे गला पाड़ रहा है? मौत भी नहीं आती इस बुड्ढे को, दिमाग खा लिया, सोने भी नहीं देता, देख लो जाके। क्या हुआ भैया? भैया बैठो बैठो। अच्छा कुल्ला कर लो फिर थोड़ा सा। किशोर, किशोर गाड़ी निकाल जल्दी भाई, बहुत दर्द हो रहा है। कोई नहीं, डॉक्टर पे चलेंगे, अच्छे से डॉक्टर पे चलेंगे। किशोर जल्दी गाड़ी निकाल, भैया की तबीयत खराब है। आलिया आजा जल्दी, फिकर मत करो, डॉक्टर पे चल रहे। क्या हुआ? भैया की तबीयत खराब हो रही, जल्दी तू गाड़ी निकाल। ये पता नहीं क्यों रोला तार रहा है बुड्ढा, ना सोने देता ना खाने देता, कहाँ ले जा रहे हैं ये गाड़ी? चिंता मत करो भैया, गाड़ी निकाल लिया, जल्दी चल रहे हैं गाड़ी से, जल्दी चिंता मत करो। सारे तो इनके कपड़े गंदे हैं, गाड़ी ले जाने की जरूरत नहीं इनके लिए, ट्रैक्टर पे ले जाओ इन्हें या मोटरसाइकिल पे ले जाओ। भाई कहीं पे भी ले चल, पर ले चल। अरे किशोर छोड़ गाड़ी, मोटरसाइकिल ले चलना है, चलो भैया आओ जल्दी आ भाई। किशोर तू चला, तू चला, मैं पकड़ के बैठूंगा। आओ भैया बैठो, संभाल के भैया बैठो, चल भाई संभाल के चलाइए तू भाई, चलो भैया चलो। एक काम करिए, हाँ मोहन को ना बताइयो, मोहन को ना बताइयो, तुम चिंता मत करो, हम नहीं बताएंगे, तुम चलो सही, चला भी चला।